पब्लिक टीवी आपकी आवाज। साहस वेलफेयर सोसाइटी की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अलग अलग क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। पंचायत भवन स्थित सभागार में आयोजित सम्मान समारोह का उद्घाटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभारी भूपेंद्र सिंह, दर्जा राज्य मंत्री साध्वी गीता प्रधान, विधायक रितेश गुप्ता और सोसाइटी की चेयरमैन डॉक्टर लता चंद्रा अग्रवाल ने किया। भूपेंद्र सिंह ने संस्था के कार्यों की सराहना की। संस्था चेयरमैन डॉक्टर लता ने संस्था की ओर से किए सामाजिक कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। समारोह में आर्मी से कैप्टन संगीता लूथरा, दिव्यांग रुचि साई चतुर्वेदी, कंचन खन्ना, डॉक्टर अलका और बाल सुंदरी को सम्मानित किया गया। समाज में उत्कर्ष कार्य करने पर रीता सिंह, सुमन कौशिक, डॉक्टर जी कुमार, अंजू त्रिपाठी, अंजू लोचव, रितु नारंग, मधु खोसला, विमला अग्रवाल, मीनू मल्होत्रा, प्रिया अग्रवाल, अल्पना रितेश गुप्ता को सम्मानित किया। चिकित्सा सेवा में डॉक्टर राकेश कुमार, डॉक्टर विनीता अग्रवाल, मयंक शर्मा, डॉक्टर रेनू जैन, डॉक्टर अर्शी अग्रवाल, डॉक्टर विधि अग्रवाल को सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमने एक नारी सम्मान समारोह रखा है आज। तो इसमें फिजिकली डिसएबल्ड वीमेन विद टैलेंट्स को हमने बुलाया है। ऐसी महिलाएं जिन्हें जो काम करने में हाथ पैरों से अक्षम हैं, उसके बावजूद भी उनके अंदर कुछ टैलेंट है, वो कुछ कर रही हैं, उनको बुलाया है। और समाज में जो सोशल वेलफेयर के लिए कार्य कर रही हैं, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी काम कर रही हैं, उन महिलाओं को हमने बुलाया है सम्मान देने के लिए कि महिलाओं का समाज में स्थान ऊंचा होना चाहिए और उनको पुरुष की बराबरी के ही अधिकार मिलना चाहिए, ताकि वो समाज में, परिवार में, घर में अपना सिर ऊंचा उठा के चल सके। समाज को क्या मैसेज देना चाहिए? मेरा समाज के लिए एक संदेश है कि एक खुशहाल समाज बने, और ये तभी संभव है जब महिलाएं खुश रहेंगी,